हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स। एंड गाइस, ईयर वी हैव द ऑल न्यू 2024 यामाहा एफजेड एस V4 खड़ी हुई है। 2024 में बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल, A20 कंफर्टेबल है। एंड गाइस, मैट फिनिश में, अगर आप लोग सोच रहे हो मैट फिनिश में देखने के लिए, तो भाई तीनों मैट फिनिश में खड़ी हुई है। इधर जो मैट फिनिश में अपने गोल्डन के साथ आती है, ये अपनी ऑल ब्लैक जो कि पूरा मैट ब्लैक के साथ आता है, ये मैट ब्लू, ये भी काफ़ी बढ़िया लगता है। तो थोड़ा सा हम लोग बिल्कुल डिटेल दोनों में, पूरा तीनों में भाई कंपेयर करने वाले, कौन सी कलर ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है, किसका प्रेजेंस बढ़िया है, अलॉय व्हील का क्या डिफरेंस है, वॉक अराउंड एक एक कर लेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा भाई इजी रहेगा फाइंड करने में कि मैट में तीनों कलर में कौन सी सबसे बढ़िया लग रही है, किसका प्रेजेंस बढ़िया होगा। फिर अपनी लास्ट में अपना पर्सनल ओपिनियन दोगे कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सो गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन हमेशा पाने के लिए वाराणसी नियर बाय से बिलोंग करते हो, बिल्कुल इस डीलरशिप पे आ सकते हो। सबसे पहले ये अपनी यामाहा एफजेडएस V4 है। सभी का प्राइस अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्स आपको भाई 600-500 का डिफरेंस मिलेगा। लाइक यहाँ पे देखते हैं, ये अपनी जो गोल्डन वाली है 1,55,650 रुपीज़ ऑन रोड। एंड गाइस, ऑन रोड प्राइस है वो बिल्कुल डिफरेंस सिटी स्टेट में वेरी कर सकता है। एंड ये आएंगे देखेंगे तो ये पड़ जाती है आपको अप्रॉक्स 1,55,000 की। एंड सेम प्राइस इसकी और इसकी प्राइस बिल्कुल सेम है, ये भी अप्रॉक्स आपको 1,55,650 का पड़ेगा। ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वैरी कर सकता है, फिर से बता दे रहा हूँ। आपके जो आप जहाँ रहते हो वहाँ पे प्राइस ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। बाकी गाइस, एक बार फ्रंट से दोनों का लुक देखो। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तीनों बाइक का बिल्कुल सेम है। लाइक अगर डायमेंशन को देखोगे, इंजन में पावर एंड टॉर्क, थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, व्हील की साइज, डिस्क ब्रेक की साइज, फ्यूल टैंक कैपेसिटी पूरा सेम है। सिर्फ CNG अपडेट है, CNG डिफरेंस है, मतलब कलर एंड ग्राफिक्स का डिफरेंस है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले एक करके देख लेते हैं। ये भाई अपने फ्रंट प्रोफाइल है, मैट ब्लैक विथ गोल्डन एलॉयज, रियर व्यू मिरर्स आ जा रहे हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी उन्हें LED हेडलाइट मिलता है। प्राइस टैग देख सकते हो, नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, अलॉय व्हील पहले देखो क्योंकि भाई बड़ा डिफरेंस तो इसी में है। इसका एक बार अलॉय व्हील पूरा नोटिस करो कि काफ़ी बढ़िया अपने को भाई, काफ़ी अच्छी स्पोक्स के साथ और गोल्डन कलर में अलॉय व्हील मिल जाते हैं। इसमें भी 100x80 सेक्शन टाइम मिलते हैं, 70 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ 282mm को डिस्क ब्रेक मिलता है। एंड सिंगल चैनल ABS के साथ है, फ्रंट में भी ABS मिलता है, रियर में अपने को भाई ABS नहीं मिलता है। नॉर्मल अगर देखते हो तो अपने को डिस्क ब्रेक मिलते हैं, ABS नहीं मिलते हैं। उसी के बाद गेस्ट यहाँ पे देख रहे हैं तो अपने को ABS मिल जा रहा है, बाइब्री के कैलिपर्स मिल जा रहे हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो कि गाइस अगर आप देखोगे तो तीनों में ही आपको बिल्कुल सेम चीज़ें मिलती हैं। लेकिन हाँ, डिफरेंस किसका आ जाता है फ्रंट में, अलॉय व्हील का। यहाँ पे आपको दोनों में लाइक मैट ब्लू देख रहे हो तो इसमें भी आपको ब्लैक कलर की अलॉय व्हील मिलती है, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो ग्राफिक्स मिल रहा है ना, ये आपको ग्रे कलर में मिलेगी। अब आ जाते हैं ऑल ब्लैक, जो मैट ब्लैक पूरा आता है, यहाँ पे भी आपको ब्लैक कलर का मिलता है अलॉय व्हील, बट यहाँ पे आपको रेड कलर की स्ट्रिपिंग मिल जाती है। ठीक है, बाकी गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये वाली जो कलर है, ये पूरा ही, जिसको पूरा ब्लैक पसंद है वो इस पे आ सकता है। ठीक है, लाइक अगर किसी को पूरा ही ब्लैक चाहिए, मैट ब्लैक, तो इसमें गाइस कोई भी पैनल कोई डिफरेंट कलर का नहीं मिलता, पूरा ही मैट ब्लैक में आता है। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको रेड कलर की फिनिशिंग मिल जाती है, जो कि थोड़ा सा इसको यूनिक बनाया जा सके। ये देखोगे तो भाई अपने को ब्लैक के साथ गोल्डन मिल जा रहे हैं टैंक पे, और जहाँ पे इधर देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको मैट ब्लू के साथ क्रोम आ जा रहा है और ब्लैक की फिनिशिंग, लेकिन यहाँ पे तो पूरा ही मैट ब्लैक है भाई। ठीक है, अब आ रहे हैं भाई टैंक को देख रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बता दूँ, 13 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जा रही है। फ्रंट में भाई अपने को 17 इंचेस के व्हील, 282mm का डिस्क ब्रेक, रियर में 220mm का डिस्क ब्रेक, रियर में ट्रैक्शन कंट्रोल्स मिल जा रहे हैं। और गाइस सभी में इंजन सेम मिलता है अपना 149cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड F5 BS6 फेज 2 इंजन, जहाँ पे मैक्स पावर 12.2 BHP की मिल रही है, मैक्स टॉर्क आपको मिल जा रही है भाई 13.2 Nm का, बिल्कुल पावर एंड टॉर्क सेम मिल रहा है। फ्रंट में LED लाइट्स, LED टर्न सिग्नल सभी में मिलते हैं अपने को देखेंगे तो भाई काफ़ी बढ़िया सा। और हाँ, गोल्डन कलर लेते हो तो यहाँ पे आपको डार्क क्रोम इंसर्ट्स मिल जाते हैं, अगर ये सब देख रहे हो तो डार्क क्रोम में मिलेंगे। एंड अगर मैट ब्लू ले रहे हो तो पूरा ही मैट ब्लैक, तो यहाँ पे आपको क्रोम की ट्रीटमेंट्स मिल जाती है। यहाँ पे अगर ग्रिल पे देखेंगे तो क्रोम एलिमेंट का ट्रीटमेंट। तो अभी मैं लास्ट में बताऊंगी कि मुझे कौन सा बढ़िया लगा। अब आते हैं साइड प्रोफाइल से देख लेते हैं। तो ये भाई अपनी साइड प्रोफाइल है, मैट ब्लैक विथ ऑरेंज जो आपको मिल रहा है। यहाँ पे भी अपने ऑटो सेंसर, नीचे की इंजन गार्ड वगैरह मिल जा रही है। यहाँ पे आपको जो ब्रांडिंग मिल जा रही है FZS की, वो गोल्डन कलर से मिलती है, V4 की ब्रांडिंग, ग्राफिक्स वगैरह आप देख लो, क्योंकि मेन तो इसी में डिफरेंस है। बाकी सभी गाड़ियाँ अपनी E20 कंफर्टेबल है, फ्लैक्स फ्यूल को सपोर्ट करती हैं सभी, एकदम बिल्कुल 2024 की लेटेस्ट मॉडल है। ये भी अपना इनको E20, एंड वो भी भाई अपना जो मैट ब्लू आ जा रहा है। पहले आप इसका एक बार पूरा लुक देखिए। यहाँ पे आपको रियर में भी अलॉय व्हील जो मिलता है गोल्डन में मिल जाता है, टायर अगर सभी में मिलते हैं काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के साथ। अपने को रेस्ट वगैरह मिल जा रही है, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, ब्लैक कलर का पूरा इंजन, फ्लैट सीट्स आ जा रहे हैं, सिंगल ग्रैबलेल, LED टेल लैंप रियर में, तो सभी में एकदम सेम है। एंड
इधर भी अगर देखेंगे तो ये थोड़ा सा हटा दीजिए, FZS वर्जन 4 की ब्रांडिंग, इसका भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे ही देता हूँ, बिकॉज भाई थोड़ा सा अगर आप यमहा की कोई प्रोडक्ट लेते हो ना, और मतलब FZS ले रहे हो, तो क्या क्या एसेसरीज आप लगवा सकते हो। पहले सीट कवर आ जाएगा जो कि 535 कॉस्ट करता है, इंजन गार्ड 1100 कॉस्ट करेगा, LED फ्लैशर अगर आप देखते हो तो 1490 कॉस्ट करेगा, हालांकि इसमें पहले से ही LED आ रहा है, जो कि पहले हेलोजन आता था ना, अब यहाँ पे टैंक पैड आ जाता है। फिर इधर देखेंगे तो कि 225 का है, बाइक कवर मतलब बॉडी कवर मिलेगा, 480 का भाई मिल जाता है अभी अपना का जो देखते हैं, तो वीमेंस लिए फुट रेस्ट, तो ये सब तो थोड़ी सी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो मुझे ज़रूरी लगी जो आप लगवा सकते हो, लाइक लेडीज़ के लिए फुट रेस्ट तो कंपलसरी है भाई, आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, कंपनी से एसेसरीज पे लेके कॉस्टिंग एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। रियर में 220 mm डिस्प्ले, ट्रैक्शन कंट्रोल सभी वेरियंट्स में आपको मिल जाती है, इसमें भी ट्रैक्शन कंट्रोल, इधर भी ट्रैक्शन कंट्रोल, सभी में ही। अब आ जाना है, ये तो आप देख लीजिए पूरा, अब ये आ जाइए पूरा ही ब्लैक, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे आपको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं जो ब्लैक के अलावा दिखे में, खाली ये FZS आपको थोड़ा क्रोम में मिलेगा, ये भी क्रोम में मिलेगा, यहाँ पे ब्लू कलर की ब्रांडिंग 20 MP15 का भाई, यहाँ पे आपको MID दे दिया गया है, हालांकि गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर्स के साथ नहीं आता है, इसमें आपको FZS V4 में गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर नहीं मिलता जैसा कि आपको MP15 में मिल रहा था। बाकी यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का मिल जाता है अलॉय व्हील, रेड कलर की स्ट्रिपिंग वगैरह। इसका प्रोफाइल देखिए पूरा बढ़िया लग रही है मुझे तो, गाइस ये ठीक लग रही है, वैसे लास्ट में ओपिनियन बताऊंगा क्यों मुझे ये पर्सनली ये अच्छी लगी या जो भी अच्छी लगेगी। MID बिल्कुल सेम है, ये भाई अगर देखेंगे तो मैट ब्लू में बढ़िया ये भी तो लग रही है, थोड़ा सा मैट कलर की जितनी व्हीकल्स होती है उनको मेंटेनेंस चाहता है। ब्लैक कलर का इंजन इसमें मिलेगा, इंजन गार्ड सब में मिल रहा है, O2 सेंसर सभी में मिलेगा आपको, ब्रेक लीवर वगैरह। एंड गाइस यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का मिल जा रहा है अलॉय व्हील, एंड इधर देख लो अपनी 220 mm डिस्प्ले, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सभी चीज़ें। रियर प्रोफाइल देख लो इसका भी, एंड फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पे भी FZS की ब्रांडिंग क्रोम में आ जा रही है, क्रोम के साथ इधर भी आपको क्रोम ही मिल रही है, थोड़ा सा डार्क क्रोम इंसर्ट्स भी यहाँ पे मिल जा रहा है साइड पैनल पे देखेंगे तो, लेकिन यहाँ पे तो पूरा ही भाई मिलता है ब्लैक क्रोम। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर आपको पूरा ही ब्लैक पैनल चाहिए मैट में तो आप बिल्कुल बिना सोचे सोचे आ जाइएगा अपने पूरा ऑल ब्लैक मैट में, जो कि भाई क्रोम इंसर्ट्स मिल जाएंगे, बाकी कोई ऐसा चीज़ नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आप ब्लू लेते हो तो यहाँ पे आपको देखो ग्लॉसी फिनिश भी मिल जा रही है, ब्लू आ रहा है, क्रोम भी मिल जा रहा है, तो थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन हो जा रहा है जो कि इसमें एकदम नहीं मिलता है। यहाँ पे तो आपको देखेंगे तो भाई वो भी अपना आ जा रहा है ब्लैक कलर, मैट ब्लैक, यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक आ जा रहा है, गोल्डन यहाँ पे भी। तो आपको पूरा ही ब्लैक चाहिए, मैट ब्लैक चाहिए, आप बिल्कुल इस पे आ सकते हैं। गोल्डन लवर हैं या फिर अलॉय व्हील थोड़ा यूनिक कलर का चाहिए तो बिल्कुल इस वेरियंट पर जाइए, एंड ब्लैक आपको उतना नहीं पसंद आता तो आप इस पे आ सकते हैं। मैट में देखिए यही तीन कलर है, तो ब्लैक नहीं पसंद है तो आप इस पे आइए, गोल्डन पसंद है उस पे जाइए। बाकी मैं बताऊँ पर्सनली मुझे कौन सी अच्छी लग रही है, तो भाई ये जो सेंटर में खड़ी हुई है पूरी मैट ब्लैक के साथ, अलॉय व्हील भी ब्लैक है, प्रोफेशनली मतलब कॉलेज भी स्टूडेंट्स है या फिर बड़े लोग भी लेते हैं, घर के मैच्योर लोग हैं, तो वो थोड़ी सी इनको ये डिफरेंट लग सकती है, नापसंद आ सकती है, लेकिन ये सबके लिए बढ़िया है भाई। सो गाइज आप लोग की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है, तीनों में ही 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी, तीनों में ही आपको मिलता जाता है भाई, ट्विन डिस्क, सिंगल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल तीनों में ही मिलते हैं, 282 mm का डिस्क ब्रेक, 70 inches के अलॉय व्हील मिल रहे हैं, सब चीज़ सेम है, पावर एंड टॉक भी सेम है, पावर अपने को मिल जा रही है 12.2 BHP की, 13.2 Nm का टॉक, पावर टॉक बिल्कुल सेम है, माइलेज भी आपको अप्रॉक्स इसमें 40-45 किलोमीटर पर लीटर तक मिल जाता है। बाकी गाइज ये था इसका कंपैरिजन तीनों में, कंपैरिजन क्या, हालांकि कोई टेक्निकल डिफरेंस तो है ही नहीं, खाली कलर में आपको मालूम चल गया होगा अब आपको कौन सा लेना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, प्रेजेंस आप देख लीजिए भाई एक बार। बाकी गाइज वीडियो अच्छी लगी तो इसको एक लाइक करेगा, चाहे पहले इसको सब्सक्राइब करेगा, ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन हमेशा पाने के लिए मिलता होगा इस नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।